ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ ਅੰਬਰ ਪੈਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਰੇ ਦੇਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਾਈਡ ਪੀਸ ਸਿਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਈਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵੇਟ ਕਰ ਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਮ ਵੀਡੀਓਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਦੇਖਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ 500 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਨੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਆ ਅਤੇ ਉਹ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਕਮਾਊਂਗਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਕਾਫੀ ਆ ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ ਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਭਿਨਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਸੋਲੋ ਟਰੈਵਲਰ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਅੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅੰਕੁਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆਪਾਂ ਆ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ 100 ਦੇ 4 ਹੈਪੀ ਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਵੈਲਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪੈਦਲ ਰਸਤਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਰ ਆਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆ ਬੱਕਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੁਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਸੌਖੀ ਆ ਸਟੈਪ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਖਰ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ ਆਹ ਟਿਊਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆਊਟਡੇਟਿਡ ਡੇਢ 100 ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਭੈਰਵ ਜੀ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਆ ਚੱਲਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਈ ਕਾਰਾਂ ਇੱਧਰ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਧੋਖਾ ਇੰਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਅੰਬਰ ਜਾਂ ਆਮੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਗਾਈਡ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 365 ਟੈਂਪਲਸ ਨੇ ਇੱਥੇ
रोज एक टैंपल देखा तो साल लगता सारे टैंपल देखने को। पुराना वसिया शहर आ पता लग रहा अपन आ बिल्डिंगा देख के। बहुत सोहना व्यू आ, सामने भी एको टैंपल है। दीवार की हुई है देखो, एक ने चारों तरफ दीवार आ अमर अमर पिंड विलेज दे सिटी दे। आ देखो पहाड़ की चोटी से दीवार की हुई है, पुराने टाइम की हुई है। चल दे आना आप इतों आ सामने वाले गेट नू सूरज पोल कहते हैं क्योंकि इधरों सूरज चढ़ता, इधर ईस्ट आ। आगा वा चंद्र गेट, इधर सूरज छुपता आमन सामने आ दोने। एक होर खासियत आ इनू रॉयल गेट भी कहते हैं, सूरज पोल नू सन गेट भी कहते हैं, तो रॉयल गेट भी कहते। इतों राजा आता सी, इहदा दरवाजा वड्डा, हाथी ते बह के राजे होने आते सी इत्थे। ते इहदा आ वाला यह हैगा जनता वाला गेट, भी इधर जनता आउंदी सी। जिहड़ी आपां इस जगह ते खड़े आ इहनू एक चौंक दा दर्जा दिता जांदा, एक चौंक आ एक जो सामने हुण आपां जा रहे हां इधरले पासे किले दी एंट्रेंस वाले पासे। इत्थे जिहड़ियां आ छतरियां ने, इत्थे मिनिस्टर बहिंदे सीगे, राजे दे वजीर बहिंदे सीगे इत्थे। ते ओह उपर राजा बहिंदा सी, उधर राजे होने बहिंदे सीगे, ते ओह उपर इक बनिया होया जाली, उत्थे जाली उत्थे राणी बहिंदी सी क्योंकि इत्थे राजस्थान दी पर्दे दी प्रथा, राणियां पर्दे दे विच उत्थे जाली हुंदी सी। ते उत्थे बैठ के जो भी इत्थे कार्यक्रम हुंदा सी ओह देखदे सी। ते इक चीज़ कार्यक्रम तो एक चीज़ होर आ, बली इत्थे बली दिंदे सी इस थां ते। पुराने जमाने च बली प्रथा हैगी सी, बली दिंदे सी इत्थे इस थां ते। चलदे हुण आपां आ राजे दा, राजे नूं राजा साहब दे जाण दी जगह आ। इधरों राजा साहब जाते सी, इधरों राणियां जांदियां सी। इधर थां थां ते इन्हां ने लाए हुए आ शिला माता मंदिर। किधर लाना फिजिकली चैलेंज परसन लिखिया वा रस्ता, ये प्लेन रस्ता होएगा। इधर आपां इधरों जाने आ जिथों कितें पुराने जमाने च राणियां जांदियां सी, आपां उह पाथ लिया वा, उह पाथ थानी आपां जाने आ। काली माता का मंदिर का गेट है, पुराने जमाने च इस मंदिर के सामने ही वो बली स्थान आ। इत्थे बली देंदे सी पहला, कहिंदे बंदियां दी बली देंदे सी, फिर बंदियां दी बली बंद करके बफैलोज दी कट्टे हो गए उन्हां दी बली देने लग गए। तो बाद विच वो भी उन्हां दी तादाद घट गई, फिर हुण बकरे दी बली देंदे आ, बट इस थान ते नहीं देंदे आ। वो पैलेस के पिछे एक बलिदान स्थल होर आ, उत्थे बली देंदे आ हर रोज़ मॉर्निंग 6:30 बजे बकरे दी। चल दे आपां हुण अगले पासे, इधरों आपां एंटर कर रहे हैं हुण टीकवुड। आ टीकवुड दा बनिया गेट, पुराने समय दी लकड़ आ, मजबूत हुंदी है। राजा ने तीन वाटर टैंक बनवाया, पानी के टांके फर्स्ट नीचे जलेब चौक में जहाँ हम खड़े थे भी, सेकंड आगे का जो ग्राउंड है अंडरग्राउंड वाटर टैंक है नीचे, ठीक है। ओके, थर्ड मानसी पैलेस के बैक साइड में तीन वाटर टैंक, पानी के पानी कहाँ से आता था उसमें बारिश का पानी को इकट्ठा किया जाता था उसे क्लीन करने। ये बना का 1700 कौन सी इसमें बना था ये किला? ये सर इसको मैं थोड़ा अभी ये कंप्लीट कर दूँ, इसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। तो इसे क्लीन करने के लिए इसमें चूना फिटकड़ी और कोयले डाला जाता था, चूना लाइमस्टोन हाल्म और कोयल, इसे क्लीन किया जाता था और पीने बाकी यूज में लिया जाता था। सामने वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं बोलते दीवाने आम कॉमन मीटिंग हॉल साधारण न्यायालय, यहाँ आम दरबार लगा करता था आम जनता के लिए, ठीक है। इस टाइम धुप बिल्कुल शिखर पे आ, गर्मी काफ़ी होगी। जरा पत्थर आ पिछे तपदा पिया, मैं थोड़ी देर खड़ा सी इत्थे ते हाथ लाल हो गए, गर्मी आ। हुण चलदे आ इत्थे जन स्थल जिथे मतलब कि आम लोगों का वो लगता सीगा, कह लो भी राजा जी आम लोगों को दसदे सी सारा कुछ जो भी सिस्टम हुंदा सीगा। आपने क्या क्वेश्चन पूछा था बाहर?
मैंने पूछा था भैया ये किला कब बना था, 1700 कुछ ईस्वी में बोलते हैं। आप जो अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं वो फ्रंट से बनाना स्टार्ट करते हैं, आगे से ये पहले से बनना स्टार्ट हुआ, बैक पीछे से। इसमें सबसे पहले जो बना फर्स्ट पार्ट मानसिंह पैलेस 1589 में। ओके। उसके बाद जो सेकंड पार्ट बना सेकंड कोर्टयार्ड वो 17th सेंचुरी में जो वहाँ के अकॉर्डिंग टू वेदर बना हुआ है 17th सेंचुरी में वहाँ के राजा थे मिर्जा राजा जय सिंह जी उनके समय पे। फिर उसके बाद आगे का जो पोर्शन है जिन्होंने जयपुर बसाया 18th सेंचुरी में 1727 में यहाँ के राजा थे सवाई जय सिंह जी उनके समय पे। तो ये कम्प्लीट पूरा पैलेस 137 साल में बन के कम्प्लीट हुआ है। ओके। तीन राजाओं ने तीन पीढ़ियों ने मिलकर इसे बनाया। और जो सिटी है उससे पुरानी है आमेर सिटी है, जो किला बाद में बना, किला प्रोटेक्शन के लिए बना बेसिकली। किला बाद में बना, इससे पहले नीचे कदमी पहले से वो बना था और उससे पहले यानी राजा जो सबसे पहले यहाँ आए थे वो आए थे दूल्हे राय नरवर एमपी से आए थे, एमपी में एक जगह नरवर वहाँ से आए थे। तो ये सूर्यवंशी है सर। यहाँ पे तो बोलते ना कुश जी के, रामचंद्र जी के बेटे कुश, उनके मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये रामचंद्र जी के वंशज हैं, रामचंद्र जी के दो पुत्र थे लावर कुश, तो कुश के वंशज हैं, कुश से कुश वहाँ हुआ और कुश वहाँ से कछावा, तो इन्हें अभी कछावा वंशज कहा जाता है। जैसे आमेर से आमेर हुआ, बोलते बोलते चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ के लिए एक्सप्लेन करें आपको। इस जगह ने दीवाने आम किया जाता सी, विचकार राजा बैठते सी, इस साइड इधर उन्होंने मंत्री बैठते सी, इधर पूरी कारपेटिंग होंगी सी इस फर्श से, सामने पब्लिक बैठती सी, ताही इन्हों दीवाने आम किया जाता, आम लोगों की मुश्किलों का हल करते इतने इस थान से। हूँ आप चलते हैं अगे, वधिया इतों व्यू आ, अगले पास चलते आप, अगले पास में भी दीवाने खास हो गए, इतने खास बंद बिठाया जाता है, चलते आप अगे। ए बारे लिखा भी होया दीवाने आम, हिंदी तो इंग्लिश लिखा हो। चल रहा अपना टूर वाला, पिछले बहुत सोहना गेट बनया हो, मेरा दिल किया इतों वीडियो बना दा। बाकी चलते हैं आप, गाइड होने भी आवाजा मारी जाते कहते आ जाओ वाहवा कुछ पिया अगे। चलो भैया आगे चले फिर बताओ। 27 कोर्ट्स राजा के जो 27 गांव थे, 27 गांव का लेखा जोखा 27 अधिकारी यहीं बैठ के किया करते थे। तो ये अकाउंट सेक्शन है जो चार्टर्ड अकाउंटर थे मुनिम बही खाते में साफ करते, तो यहीं होता था। यहाँ से व्यू भी अच्छा दिखता है डाउन का, स्टार्ट होते वो जो वो दिखेगा ना बाग, केसर वाला बाग भी दिखेगा शायद। यहाँ केसर उग गया था फिर क्यों नहीं, कोशिश की थी ना राजा ने। हाँ तो बताऊंगा मैं आपको। हाँ बताइए, फ्रंट पहले वाले में चलते हैं, वो खाली है। यहाँ आ जाइए भैया। हेलो करता है, ठीक है। Okay. गार्डन जतीन गार्डन है, डीप वाला राम गार्डन, मिडिल वाला दलाराम गार्डन, और ये जो लैक के बीच में बना है इसे बोलते हैं केसर कैरी सैफ्रन गार्डन। इसे सैफ्रन गार्डन क्यों कहते हैं, राजा ने यहाँ उस समय केसर उगाने का प्रयास किया था, लेकिन केसर कहाँ उगती है, कश्मीर। कश्मीर में जहाँ -degree टेम्परेचर और कूल वेदर है, तो राजा ने इसे वैसे कूल वेदर देने के लिए केसर को ये माउंटा लेक बनवाया ताकि उसे नीचे से कूल वेदर मिल सके। क्योंकि नीचे से वेदर चेंज होने से क्या होता है, वेदर तो ऊपर से चेंज होना चाहिए, नीचे तो फिर वो ह्यूमस बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ केसर सक्सेस नहीं हो पाई, लेकिन इसका नाम रखा गया केसर कैरी सैफ्रन गार्डन। सामने लाइट एंड साउंड शो दी सिटिंग है, सामने बाउंड्री वॉल देख रहे हैं आप। हाँ जी, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, 12 किलोमीटर की राउंडिंग एरिया में सेफ्टी के पर्पज से राजा ने बनवाई, ठीक है। अगर आपको यहाँ कोई फोटो लेना हो तो फोटो ले सकते हैं। पुराने टाइम का गीजर सिस्टम है, मुगलई आर्किटेक्ट का निशान नहीं है। चलते हैं अंदरले पासे। तो ये वो टैंक है, इसमें ये हॉट वाटर के लिए नीचे कॉपर प्लेट लगा हुआ है, उसपे लाइमस्टोन का लेप है। ये हॉट वाटर के लिए टैंक, और वो जो सामने वाला टैंक है वो कोल्ड वाटर के लिए। यहाँ रानी स्टीप आप क्या करती थी स्कूल में, और यहाँ से जो पाइप है कॉपर पाइप जाता था, यहाँ कॉपर पाइप है, यहाँ से कोल्ड वाटर। सामने है बाथ टब, जकूजी बाथ टब। चलते जाओ भैया, चलते जाओ, जिसने दर्शन कर लिए चलते जाओ। अच्छा ये जकूजी बाथ टब,
ये बात कर रहे हैं आज के टाइम पर कुछ ही पुराने टाइम था इसको इसको कुछ और बोलते होंगे सब कुछ बात है उसको बोलते तो सर की बात है कंप्लीट तो ये किस तरह से यूज लिया करते थे इसमें अकॉर्डिंग टू वेदर इसमें पानी भरा जाता है गर्मियों का टाइम आले बने हुए हैं रोशनी लिए फिर दीवे वगैरह जगाते थे बाहर चले गए तो गणेश जी की प्रतिमा होती है तब भी इसको गणेश और गणेश जी विद्यमान है इसलिए गणेश पोल कहते हैं ठीक है इस वॉल पे जो आर्ट बना हुआ है इसे क्या बोलते हैं फ्रेस्को आर्ट इटालियन सामने जो रूम है वो बंद है कपल राजा रानी का बेडरूम हुआ करता था सामने जो गार्डन है मुगल गार्डन मैंने मोबाइल दी टॉर्च नाल तारे दे बन गए ऊपर आपको दिखाएं कि मेरे को दिन में तारे दिख जाएंगे जब मेरी पहला आ रूम दे विच इस तो भी ज्यादा मीनाकारी है बट भारत दे लोग तोड़फोड़ करन च माहिर ने अज मैं शीशे तोड़े पए आ ये दीवाने खास अज मैं तोड़े पे इस करके इन्होंने अंदरला बंद करता परमानेंट अज तो 15 साल पहला खुला हुंदा सी कहिंदे ते अंदर दे साइड जिवें बिल्कुल नेरा हो गया तो कैंडल दे नाल उपर तारे दिख जांदे सीगे पूरे जिवें हुण इत्थे इन्होंने कैंडल करके दिखाया मोबाइल दी टॉर्च नाल ते अंदर होर ज़्यादा वधिया व्यू होना क्योंकि अंदर नैचुरल लाइट नहीं हैगी रोशनी नहीं हैगी चलो कोई नहीं हुण बंद है तो की कर सकते हैं अंदरों एक शॉट लैने ऐ करके मुगले आज़म मूवी की शूटिंग हुई सी ए वाले पैलेस दे विच इन्हें शीश महल कहते हैं बेलजियम तो शीशे ले आए से उस टाइम क्योंकि इंडिया चलो शीशा आया ही नहीं सी शीश महल एट आमेर फोर्ट वधिया बनिया हुआ पुराने टाइम की आर्कीटेक्ट इंजॉय कर रहे हैं साथियों के नाल अपने ते गाइड भी वधिया आपां दस रहा फोटो वधिया खिंच रहा है ना इस टाइम फोटो सैशन हो जा रहा दिल्ली वाले मुंडे का नोएडा वाले मुंडे की फोटो चल दिया ने इन्हां नूं टैक्ट हुंदे आ फोटो खिंचन दे तो गाइड कर लेना चाहिए बड़ा महंगा नहीं पैंदा शीश महल नूं बाय बाय करके हुण आपां चलदे आ मान सिंह पैलेस सब तो ओल्ड पार्ट आ लिखिया होया मान सिंह पैलेस तो सवा एग्जिट इस गैलरी तो जाना जो सबसे पहले बना था मानसिंह फर्स्ट जो अकबर के चीफ कमांडर थे उनके समय पे बना था तो जब ये बना था तब वो सब नहीं था जो हमने देखा ना ही था जनरल था ठीक है तो ये 1589 में बना था मानसिंह फर्स्ट के 12 है खास वर्क नहीं है लगभग ये 500 साल पुराना 500 ईयर्स ओल्ड और ये जहाँ खड़े हैं उनकी फर्स्ट रानी जो थी पहले रानी मुख्य रानी पट रानी संगा कनका देवी उनका अपार्टमेंट है बाकी सबके सबसे बड़ा अपार्टमेंट उन्हीं का है बाकी सबके छोटे हैं ठीक है तो अदर इधर आइए 100 साल लग गए इसको मॉडर्न कबूतर राखी से बैठे हैं उन तो यहाँ अंदर में दो रूम है एक बेडरूम एक लिविंग रूम सामने किचन तो बरामदे के बाहर एक खुला बरामदा है किचन तो बाहर तो बरामदे एक खुला बरामदा रानी के मॉर्निंग में उठती थी सबसे पहले
आ किचन है पहली रानी दी। सामने बाथटब है ये वाला, और ये नहाने का बाथ। ये फर्स्ट रानी के लिए था बाथ से, बाकी 11 रानी थी उनके लिए नॉर्मली वॉशरूम बने हुए बैक साइड में, ठीक है। तो ये आपको तो अजीब नहीं लगा रानी से? पहली रानी के अधिकार भी ज्यादा होते थे फर्स्ट रानी, और उसी का जो बच्चा होगा वही राजा बनेगा। बारह तारीख और सेकंड यूज क्या था इसका, रानियों का जो दोपहर का समय होता था वो रानियां यहीं बिताया करती थी, जो उनको फालतू बात करना। हाँ कोई चिट चैट टाइम पास करना, टाइम पास इधर ही करती थी। खुला था ये पूरा, इतने 12 रानियां रहंदी सी राजे दियां। पहले वाला आपां देख लिया, तो बाकी दे भी एवें अपार्टमेंट बनिया। जिहड़ी पहली रानी सी मुख रानी, उहदा अपार्टमेंट सब तो वड्डा, ते आ पौड़ियां उपर राजे की गैलरी, राजा साहब उपर रहिंदे सीगे वो परले महल च, ते उपर गैलरी आ, ते गैलरी तो नीचे पौड़ियां उतरदियां ने हरेक राणी दे रूम च। तो जिन्हों भी राजे ने मिलना तो उस राणी को आ सकते सीगे, आ पौड़ियां उतरदियां ने। ये सारे अपार्टमेंट छोटे हैं, ऊपर तो चलो आप की करना, इधर देखते हैं बस। सारे राजे रानियां ने जयपुर दियां, आमेर दे बेसिकली। चलते हम आप बाहर वाले पास। सर रास्ता बंद है टनल का, जा सकते हैं? आज जेल वगैरह बनी हुई है, मैंने गेट लगे हुए हैं, थोड़ा जा जाने थले। पर वो ये पौड़ियां ने नीचे 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 तहखाने तक जाती है टनल, तो उस तो बाद जाती है अपना जयगढ़ तक। जयगढ़ तक पूरी नहीं है, रस्ते दे विच निकल जाती है, तो उस तो बाद पहाड़ चढ़ के जयगढ़ किले तक जाया जाता है। इतों पुराने टाइम यूज होंगे सी, हूँ तो चलो कोई टूरिस्ट कोई एक अद्धा भावें जाता हो, ज़्यादातर नहीं जाते। वड्डे वड्डे देगे पे आ कढ़ाइयां, जो कोई फीसट वगैरह होंगी सी उदों वरतों च आते सी। आ कठपुतली का खेड राजस्थान का फेमस आ, इतने दिखाते होने ज सेल करते होने, मतलब सेल करते इतने कटलूटलियाँ पी। आर्ट गैलरी है बस हूँ एंडी आ खत्म आ, चलते हैं आप हम इतों कोई होर जगह देखते हैं। ये क्या चीज़ है भैया? तो ये मटका है सर। अच्छा जी, वॉल फैमिलीज का पानी यूज लिया करती थी, अभी उल्टा रखा है, जितना बड़ा ये होता बड़ा खड्डा किया जाता था, पानी से लगे जमीन में रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? ठंडक के लिए, वेदर पानी जाता था इसमें, सर्दियों में ठंड गर्म और गर्मियों में ठंडा। इसका पानी जो रॉयल फैमिली है बस एग्जिट लिखे है, इतों आप बाहर में जाने हैं। चलते हूँ आप आमेर फोर्ट तो। किला देख लिया अपना, गाइड साहब ने वधिया आपां नूं सारा कुछ दिखाता, तो हुण इह कहिंदे कि इत्थे इतों के लोकल बंदे काम करदे कपड़े का, उन्हें सैकेंड पार्ट कहिंदे आ, उधर चलते हैं वो आपां नूं दिखाउणगे आपकी कला। तो राजस्थान जाना जाता किले तो कला के नाल, किला देख चुके हूँ कला देखते हैं। चलो भैया जी आमेर सिटी का थोड़ा नेड़े व्यू, सामने ऊपर किला।
ਇਹ ਜੈਗੜ ਫੋਰਟ ਆ ਸਾਰਾ ਜੈਗੜ ਕਿਲਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬਣਿਆ ਆਰਮੀ ਕਿਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਬਣੀ ਸੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਬਰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੌਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਪੱਤਰਿਕਾ ਰਾਣੀ ਬਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਟ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਉਹ ਜੋਧਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਆ ਟੈਂਪਲ ਬਹੁਤ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੱਡੀ ਆਊਗੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਰੱਖੀ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣਗੇ ਕੁਛ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣਗੇ ਜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਰੀ ਰੱਖੀ ਆ ਇੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਰੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੇਚਦੇ ਆ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਲਵਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਦਮੀ ਪੈਲਸ ਜਿਹੜਾ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਹਰੀਕਾ ਬਾਈ ਨਾਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ ਹਰੀਕਾ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਮੁਗਲ ਸਨਤ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਈ ਇਸ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਥਾਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਭਈਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਥਾਰਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ ਅਤੇ 4x4 ਵੈਸੇ 2x4 ਹੀ ਆ ਪਰ ਇੰਜਨ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਟਕਸਾਲ ਆ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਢਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅਮੇਰ ਵਿਲੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਮੇਰ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਆ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਛੱਡਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ ਜੈਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵਸਿਆ ਟਾਊਨ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਂ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਬਰ ਪੈਲਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮੇਰ ਮਹਿਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਆ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅੰਕੁਰ ਬਾਈ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ 19 ਸਾਲ ਏਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸੋਲੋ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੋਏ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਸੋਲੋ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਸੋਲੋ ਘੁੰਮਣ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ 1-2 ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੰਕੁਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਬਤਾਓ ਆਪ ਕੈਸੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਆ ਔਰ ਆਪ ਐਜ਼ ਆ ਟੂਰਿਸਟ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੈਵਲਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਤਾਓ ਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਵੋ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤਾ ਥਾ ਉਧਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮੌਸੀ ਜੀ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾਣੇ ਲਗਾ ਵੋ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
फिर धीरे धीरे उनको ये लगने लगा घर वालों को कि हाँ ये तो सत्संग में जा सकता है, फिर ऐसे ही धीरे धीरे स्टार्ट करा। जैसे आपने बोला कि आपका जो बैकग्राउंड है वो आर्मी का है, आप खुद भी एनडीए की तैयारी करते हो, उसके बारे में थोड़ा बताओ, आपके जो फादर उनके बारे में बताओ। फादर मेरे मतलब हमारे घर में डिफेंस का ही बैकग्राउंड है, तो फादर भी बीएसएफ में थे, अब रिटायर हो गए, उनके पैर में वेरी गुड जीन्स हैं, वो इकट्ठे हो गए तो इस वजह से रिटायरमेंट ले लिया। अच्छा अच्छा, वो हो जाती है ज़्यादा चलने से होती है वो प्रॉब्लम, तो ठंडे इलाके वगैरह में जा नहीं सकते तो रिटायरमेंट ले लिया। तो आप जब वो बीएसएफ में अलग अलग जगह थे, आप साथ में रहते थे कि आप एक जगह? नहीं, हम घर पे, आप घर पे रहते, तो कभी कभार जाते थे क्या फादर साहब जहाँ पर? हाँ जाते थे। वही ना, आर्मी बैकग्राउंड होना एक बड़ी एक जरूरी चीज़ है इन्हों के लिए, जिन्होंने इन्होंने इस मोड़ वाले पास कले घूमन वाले पास सोलू ट्रैवल वाले पास जोड़िया। बाकी ठीक है, चलो मुंडा कहना मैं कैमरा छाई हाँ, हौली हौली हजे एज भी थोड़ी है, 19 साल टीन एज ही है, कोई नहीं होर गल बात करते हैं इन्हों, वीडियो लिए इन्ना ही सी। जल महल ये बारे कहा जाता कि ये एक मंजिल उपर आ, चार मंजिला पानी के नीचे आ, ये लेक आ, किस टाइम ये लेक ही जयपुर के लिए जल स्रोत होंगी सी, किश्ती राही जाया जाता पर हुण बंद किया हो अंदर जाना, तो आ जालियां लाइया ने ताकि कोई स्विमिंग ना करे रात में, तो आप आए इतने पहला भी हुण दिन का व्यू आ वधिया लग रहा, ठंडक लग रही थोड़ी जी इतने लेक करके, आप बगले कां सब घूम रहे ने, इतने इंजॉय कर रहे भी तर रहे ने, चलते हैं हम आप। सारा पंजाबी एरिया जयपुर का, आ सामने गुरुद्वारा साहब आ लिखिया, स्कूल भी है श्री गुरु नानक देव जी के नाम से, आ गुरुद्वारा साहब बनया हुआ है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा राजा पार्क, पंजाबी एरिया सारा सारा चलते आप। हम जो हम फ्रेम च आ रहा है श्री शिव जी का टैंपल आ, साल च एक बार खुलता महाशिवरात्रि से, तो आप हम पहुंचे बिरला टैंपल, आ रस्ता है यदा एंट्रेंस आ, जिमें सोवेनियर कुछ समान खरीददारी ओदियां शॉप्स ने टैंपल के अधीन ही होनगियां, आ गेट राही आप एंटर किए हैं, चलते हैं हुण वे टू टैंपल आ लिखा हुआ इधरों चलते हैं अगे। बिरला टैंपल की पहली झलक, आप भी जानकारी लेने थोड़ी जी भी बिरला टैंपल क्यों कहा जाता, क्योंकि बिरला कोई भगवान नहीं है, बिरला कोई किसी इंसान का नाम से जिन्हें बनाया टैंपल, तो पढ़ते हैं कितने लिखा होगा तो क्या किसी तो पूछते हैं, चलते हैं करते हैं दर्शन। इन्होंने बोर्ड लाया कि फोटोग्राफी इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बियॉन्ड दिस पॉइंट, इस तो अगे फोटोग्राफी करना मना, तो सो इतों ही व्यू ले लें, तो मोटी मोटी जानकारी ली है। ये टैंपल का असली नाम हैगा श्री लक्ष्मी नारायण टैंपल, ये गंगा राम बिरला जी ने बनाया सीगा, हिंदुस्तान ट्रस्ट आ उन्हां दा कोई, ते उहदे संबंध च बनाया सी, पूरा मार्बल दा बनिया, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं सी, पर जिन्नी कि असीं देखिया अंदर टैंपल दे नाल जिहड़े वॉल्स ने उत्थे भी जिहड़ा मार्बल च इनक्रेव्ड हिंदू धर्म नाल रिलेटिड इतिहासिक पेंटिंग नहीं कह सकते उहनूं, क्योंकि उह चित्रकला कह सकते हैं, वी उहनूं पत्थर नूं वढ वढ के मार्बल नूं वढ वढ के इनग्रेव कीता होया, पांच छे इन्हां दे इतिहासिक जिहड़े हिंदू धर्म के इतिहासिक वर्णन आ जां स्टोरीज आ, जिवें महाभारत का थोड़ा जिहा हैगा वर्णन, गुरुकुल का दस्या होया, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए, होर वक्रे वक्रे बनाए हुए आ, सीता जी का विआह होया ही राम जी नाल उहदा हैगा, ते आ सारा कुछ आ वधिया, वैसे टैंपल वधिया लग्गिया इत्थे आ के, शांत आ, टूरिस्ट है नहीं गे, ते मौसम भी हुण हौली हौली जिवें 5:15 का टाइम हो गया, सूर्य ढली जांदा, मौसम भी हुण प्लेजेंट हो रहा, चलते हैं आपां हुण होटल चलते हैं, इस तों बाद ते उत्थे वेट करांगे, जे कोई इक्की थां वैसे कुछ होना नहीं, हुण सारा कुछ देख लिया, होटल जाके हुण आपां वेट करते हैं, उस तों बाद ट्रेन लैके आपां घरों घर ही हुंदे हां, चलते हैं।
अल्ट्रा वाइड व्यू एक लास्ट ले आ रहे हैं इस जगह का। इतों शिवजी टेंपल नूं भी शिवजी महाराज नूं भी नमस्कार करते हैं। चलो जी चलते हैं इतों। जयपुर के सफ़र बारे आप थोड़ी जी गल करते हैं। जयपुर ज़्यादातर जाने जाता टूरिस्ट प्लेस करके, बट हुण जिवें इत्थे देखिया आ चार पाँच दिनों के आप रह के देखिया कि टूरिज़म के नाल नाल काफ़ी कमर्शलाइज शहर हो गया। सोहने सोहने होटल बने आ, वड्डे वड्डे फाइव स्टार होटल बने आ, टूरिस्ट तो रेंदे रहिंदा। पर जिवें जिहड़े होटल 'च असीं रुके सी इत्थे चार हॉल सीगे जिहदे विच बिजनेस मीटिंग्स ट्रेनिंग्स ते मैरिज फंक्शन तो चल हुंदे ही आ, विआह शादी बर्थडे वो तो वक्री चीज़ आ। तो कमर्शियल बहुत हो गया है शहर, कमर्शियल के नाल इत्थे आई टी बड़ा बूम च आ, राजधानी है, इस करके विधानसभा वगैरह हैगी आ ते होर भी इत्थे मतलब कह लो तुसीं सरकारी कामकार हुंदे आ। उस तों बाद राजा भी इत्थे रहिंदे आ जिहड़े हुण प्रेजेंट राजा आ, जिन्हां बारे थोड़ी बहुत जानकारी लई आ, लंडन पढ़दे आ बट इत्थे आउंदे आ। रियासत भी हैगी आ, चलो भावें खत्म करती पर रियासत कायम आ, दो उन्हां दे पैलेस ने जिहड़े उन्हां दे कोल ही ने, टूरिज़म टूरिस्ट लई खोले आ पर उहदी टिकट टुकट लगदी आ ते उहदे विच ही उह रहिंदे आ, वखरा एरिया उन्हां दा, क्योंकि लोग हजे भी उन्हां नूं सत्कार वजों मिलदे आ। ते दूजी इत्थे चीफ मिनिस्टर आ ते हुण जिहड़ी राणी आ प्रेजेंट उह डिप्टी सी एम ने इत्थों इत्थे दे, ते मैं इन्नियां गल्लां ने। बाकी घूमन वाली शहर आ, घूमन वाला शहर आ, मौसम बस आही ठीक आ। इस तों हफ्ता 10 दिन बाद आवांगे तां गर्मी होजूगी ते मींह भी पैंदे इत्थे अप्रैल मई दे विच, कहिंदे थोड़े बहुत मींह भी पैंदे आ। बाकी आ सर्दियां दे विच बेस्ट आ घूमन नूं, चौकी डाणी दा एक्सपीरियंस बहुत वधिया रहा, चंगीआं जगह बणीआं, खवाउंदे बहुत वधिया, होटल दी फर्न बहुत वधिया सीगा, इहनां दा रूम्स वगैरह साफ सुथरे सीगे, प्लस इहनां दा जिहड़ा कजीन आ बहुत वधिया, ते एक्सप्लोर करन नूं भी हैगा। उपर रूफ टॉप आपां दिखाया ही आ, स्विमिंग पूल दे नाल बार वगैरह बनिया होया, उत्थे भी आपां कुछ इंजॉय कर सकदे हां। बाकी फेस्टिवल्स भी मनाउंदे रहिंदे आ, हुण जिवें आ पार्क 'च आपां खड़े हां, इत्थे होली दा फेस्टिवल मनाउणा इहनां ने, बोर्ड लगा होया सीगा पढ़िया सीगा, एक्टिविटीज़ भी करते रहेंगे। बाकी एरिया भी सोहना है, जवाहर सर्कल, पत्रिका गेट जिहड़ा जिहड़ा आपां घूमे आ, ते एक गेट वे ऑफ राजस्थान बनाया इन्हां ने रीसेंटली, वह भी वधिया। बाकी एरिया भी बूम कर गया, ओल्ड जयपुर आ, न्यू जयपुर आ सॉरी, ये मतलब कि जयपुर तो बाहर बसिया। चलो ठीक है जी, फिर मिलते हैं आप। हाँ जी, टाइम हो गया 6:30 का, आप अपने इस जयपुर के खूबसूरत सफ़र नूं एंड करते हैं। तो 8 बजे ट्रेन आ, बस थोड़ा बहुत गेड़ी गुड़ी कढ़ के एक छोटी मोटी इतने नेड़े तेड़े एवं 7 बजे आप ऑटो वगैरह बुक करते हैं, ओला उबर चलती है इतने, रैपिडो भी चलती है, तो ट्रेन च जाने घर पहुँचते हैं। तो अपना ये 5-6 दिन का सफ़र सीगा, पिछों पिछों रिकॉर्ड किया आप, एक या दो पार्ट के वीडियो अपलोड की है। तो ठीक है जी, सत श्रीकाल सारू, प्लीज़ लाइक कर दियो, सबसक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो, तो कमेंट करके दस्या करो कोई इंप्रूवमेंट या आप करिए। धन्यवाद जी सारे का, सत श्रीकाल।